हेलो व्यूज़, आज का टॉपिक है हीमोफीलिया, जिसको हम उस बारे में कह सकते हैं कि खून का एक बीमारी है जिसमें खून रुकता नहीं है या अबनॉर्मली ब्लीडिंग हो जाती है। इसमें ये होता है कि एक जब ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट है, इसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, और या लोग कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। तो जब भी आपको कोई कट आ जाता है तो वो एक स्टिकी, ये इसको रोकने में ये मदद करते हैं, प्लेटलेट्स चले जाते हैं। तो ऐसी जो अबनॉर्मेलिटी जो कि क्लॉटिंग फैक्टर को कंप्रोमाइज कर रहे हैं, उसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। और इसमें इसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब कि आम नॉर्मल पर्सन से वो डिफरेंट होता है, उसके नंबर जो होते हैं। सो जिसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लीडिंग या तो लंबे अरसे तक होती रहती है और वो देर के बाद रुकती है, और अगर सीवियरली अगर वो कंप्रोमाइज हो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, तो फिर हो सकता है इसमें ब्लीडिंग लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इसकी जो जनरली ये एक रेयर कंडीशन है, मतलब कि बहुत कम होती है, और ज़्यादातर ये फैमिलीज में होती है, मतलब ये कि इनहेरिटेड होती है। और इसके अलावा ये अगर कंपेयर करें जेंडर वाइज, तो ये मेल या मर्दों में ज़्यादा होती है। तो आप उसको मुआवजा करें औरतों के साथ या बच्चियों के साथ, तो ये बच्चों में ज़्यादा होती है। सिम्टम्स इसकी जनरली तो ये होती हैं कि इसमें ब्लीडिंग नहीं रुकती है। अगर आपको कट आ गया तो उसमें आपको ब्लीडिंग होती है आम इंसान से ज़्यादा लंबे अरसे तक या और ज़्यादा एक्सेसिव रही, क्योंकि उसमें जो ब्लीडिंग फैक्टर है, वो क्लॉटिंग फैक्टर है, वो कंप्रोमाइज होता है, जिसको मेडिकल टर्म में आप कह लेंगे प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग कहते हैं। लेकिन इसके अलावा नोज से खून बहना या इसको नक्सीर कहते हैं, और वो जल्दी ना रुकना, जख्म से ज़्यादा लंबे अरसे तक खून बहते रहना, मसूड़ों वगैरह से खून निकलना, या जिल्द के और ब्रूजिंग वगैरह हो जाना, जिस तरीके से ब्लैक से स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं, सो जिससे स्किन के अंदर जो है ब्लीडिंग वगैरह होती है वो हो जाना, या इसके अलावा जॉइंट्स वगैरह में पेन आना जो कि ब्लीडिंग की वजह से हो सकती है, जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो जाए तो। इसके अलावा हेड एक्स और वॉमिटिंग, अगर सीवियर प्रॉब्लम हो जिसके ब्रेन के अंदर स्कॉल के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, और वो जो प्रेशर इंक्रीज होने से आपके हेड एक्स वगैरह या वॉमिटिंग या इस तरह के वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, ये सिम्टम्स होती हैं। इसके अगर आप स्पेशली अगर आपके हेड एक्स वगैरह हो रही हैं या वॉमिटिंग हो रही है, तो और आपकी जो है वो हिस्ट्री भी है हीमोफीलिया की, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक एमरजेंसी हो सकती है, और इसके लिए आपको फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, एमरजेंसी सर्विसेज से साथ कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि चांस है कि आपकी हो सकता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इस वजह से ये हेड एक्स वगैरह या वॉमिटिंग वगैरह हो रही है। इसके अलावा या स्टिफ नेक वगैरह है, ये भी एक अदर है। और अगर आप कोई मेंटल स्टेटस आपका चेंज हो रहा है, मतलब आपको थिंकिंग वगैरह की या कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, डिजीनेस वगैरह हो रही है, या स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है, जैसा कि स्लर्ड स्पीच या स्पीच स्लो हो रही है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मसल वीकनेस और पट्ठे आपके ये बाजू काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक सीरियस साइन है जो हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग ब्रेन के अंदर या स्कॉल के अंदर हो रही हो, ये रियर एमरजेंसी है।
तो आपको फ़ौरन एमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना चाहिए, अगर आप या आपका बच्चा या कोई और जिसको आप जानते हैं कि ये हेमोफीलिया का पेशेंट है, ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो डायग्नोसिस जनरल मोस्टली, तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये फैमिलीज में रन करता है, ये इनहेरिटेड डिजीज है, इट रन्स इन द फैमिलीज। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो फिर अगर बच्चे में है और फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो फिर यूजली ये जब बच्चा वॉक करना शुरू करता है या क्रॉलिंग शुरू करता है, तो मोस्टली उस टाइम पे ये डायग्नोज होती है, जैसे उसकी ब्रूजिंग वगैरह या इस तरह की प्रॉब्लम्स में जब देखने में आती हैं। लेकिन अगर अगर वो हीमोफीलिया जो क्लॉटिंग फैक्टर इतना ज़्यादा लो ना हो, और मतलब कि माइल्ड हीमोफीलिया हो, तो वो हो सकता है उस वक्त भी डायग्नोज ना हो, अपने लेटर स्टेज पे कैसे अलामतें वगैरह जाहिर हों, जिससे डॉक्टर ये सस्पेक्ट करे कि इसको हेमोफीलिया है। जैसे कि अगर किसी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद या किसी चोट वगैरह लगने से ब्लीडिंग ना रुक रही हो, या कोई डेंटल प्रोसीजर, इवन के जो माइनर प्रोसीजर होते हैं उनमें ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो फिर वो आपको सस्पेक्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन ले भी सकता है। आमतौर पर ये आम सिंपल ब्लड टेस्ट से इसका डायग्नोज हो जाता है, जिसमें प्लेटलेट काउंट आ जाता है, दो होता है। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो बच्चों को जो प्लेसेंटा प्लेसेंटा का जो पीस लेके, उससे वो डॉक्टर टेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये जो बच्चा है इसमें हेमोफीलिया होगा कि नहीं होगा। प्लेसेंटा असल में वो है, कनेक्शन है, एक ऑर्गन होता है जो कनेक्ट करता है मदर को, बच्चे को मदर के साथ। इससे जो उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। ये बड़ा क्रोशल और वाइटल ऑर्गन होता है कनेक्शन मदर और बच्चे और माँ के दरमियान में। इसके अलावा उसको टेस्ट किया जा सकता है, और उसके अलावा एमनियोटिक फ्लूड टेस्ट से पता जा सकता है। और अगेन जो एमनियोटिक फ्लूड टेस्ट वो होता है, फ्लूड वो होता है जो कि एमनियोटिक सैक, जिसमें कि बच्चा फ्लोट कर रहा होता है। तो एक इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं एमनियोटिक फ्लूड के, जैसे कि एक तो बच्चे को सेफ्टी के लिए, उसको सेफ रखने के लिए एज ए कुशन की तरह का काम होता है इसका। और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और इसमें डिफरेंट इसके फंक्शंस होते हैं, उसको टेस्ट करने से भी इसका पता चल सकता है। लेकिन ये एमनियोटिक फ्लूड के सैंपल लेते हुए और जो प्लेसेंटा के सैंपल लेते हुए, ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो डॉक्टर सैंपल रहे हैं वो एक्सपर्ट हो, और उसकी एक्सपर्टीज हो इसमें, क्योंकि इससे मिस कैरेज के चांस भी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन चांस बार बार होता है कि इसमें मिस कैरेज हो सकता है। ये तो था इसका डायग्नोस करने के लिए। ट्रीटमेंट इसमें यही होती है कि एक तो इसके इंजेक्शन फिर आते हैं जो उसके क्लॉटिंग फैक्टर को बूस्ट करते हैं। माइल्ड केसेस में वो जो है आपको दिए जाते हैं। लेकिन अगर सीवियर केसेस हो, तो उसमें फिर ये है कि आपको मे बी उसको मोर फ्रिक्वेंटली देने पड़ेंगे, रेगुलर बेसिस पे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर माइल्ड केस है, तो उसमें उसका वक्फा जो है वो ज़्यादा होगा, तो वो उसका जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो चेक करते रहेंगे डॉक्टर्स, और फिर उस हिसाब से वो डोज वगैरह जितनी भी चाहिए होगी उसको देते रहेंगे। इसमें ट्रीटमेंट में इसका मेन यही होता है कि इसकी जो ब्लीडिंग को स्टॉप करना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। और उसके लिए रेगुलर बेसिस पे इंजेक्शन, और अगर कोई एमरजेंसी हो जाए तो उसमें फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह जो है वो भी ज़्यादा चाहिए होती है। और सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह में बहुत ही डॉक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो। अगर किसी को हीमोफीलिया का पेशेंट है, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि कोई चोट वगैरह ना आए, और ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह में वो इन्वॉल्व ना हो जिसमें कि चोट वगैरह आने का ज़्यादा खदशा हो। इवन एक्सटर्नल चोट ना भी हो, तो जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में कोई ब्रूजिंग वगैरह या इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं, वो हो सकती है, इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर हीमोफीलिया का पेशेंट, तो उसको कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल से या हर्लिंग से या रग्बी वगैरह इस तरह के जो स्पोर्ट्स हैं उसको अवॉइड करना चाहिए उसको।
इसके अलावा मेडिकेशंस बड़ी एहतियात से लेनी चाहिए कि बाज़ मेडिकेशंस जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह इस तरह की मेडिकेशन होती हैं जो खून को पतला करती हैं, और वो बड़ी एहतियात के साथ लेनी चाहिए, अनलेस के उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, वो भी डॉक्टर के मशवरे के साथ। सो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस कभी भी नहीं लेनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स को जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स हो। सो ऑलवेज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले, स्पेशली अगर आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप कम से कम फार्मासिस्ट से के मशवरे से बगैर कोई मेडिसिन यूज़ ना करें। इसके अलावा जो आपके जो ओरल हेल्थ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके गम्स वगैरह हेल्दी हों। सो ओरल हाइजीन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रोल प्ले करे ताकि आपके कोई ब्लीडिंग वगैरह ना हो। और अगर आपको कोई सिम्टम्स वगैरह हों जैसे कि जॉइंट पेन्स वगैरह हो रही हैं, हेड एक्स वगैरह हो रही हैं, या और के ब्रूजेज वगैरह हैं, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के साथ रब्ता करना चाहिए क्योंकि समटाइम्स एक्स्ट्रा ब्लीडिंग बड़ी डेंजरस हो सकती है। सो हीमोफीलिया बेसिकली एक बीमारी है जिसमें आपके खून के जमने की जो सलाहियत होती है वो कम होती है, जिसके चोट वगैरह आने की सूरत में आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है। आज के लीजिए कुछ, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरी वेबसाइट जो पे लिंक नीचे दिया हुआ उसमें विजिट कर सकते हैं, या क्वेश्चन हो तो आप भी आपके कमेंट्स में लिख कर दें। ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने नॉलेज के मुताबिक आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए।